आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से आर टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 207 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जहां पर पहले स्टॉक में सपोर्ट लेवल था 224 रुपीस पर, जो आप रेड कलर की ओरिजेंटल लाइन देख रहे हैं, इस पॉइंट पर पहले एक स्टॉक सपोर्ट लेवल था जहां पर स्टॉक इस प्राइस को रीटेस्ट करने के बाद एक बाइंग देखने को मिल रही थी। पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया तो नीचे में स्टॉक ने एक नया बॉटम बना लिया है 204 रुपीस का। 204 रुपीस का इस स्टॉक के अंदर नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग बनाता है तो वहां पर और बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है, यानी और बड़ी गिरावट भी आती हुई नजर आएगी। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो नीचे में 204 रुपीस का इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 225 रुपीस के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 224 रुपीस के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है, वहां पर स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है, स्टॉक एक रेंज बोंड के अंदर ही ट्रेड करेगा, यानी जो स्टॉक का दायरा होगा वो काफी सीमित दायरा देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।